यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। राजधानी के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित हुआ भव्य समारोह। सीएम योगी बोले, यूपी में जन्म लेना गौरव की बात। पीएम मोदी के सपनों को साकार कर रहा उत्तर प्रदेश। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने खेलों में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हुए सम्मानित। ODOP से जुड़ी 6 योजनाओं को किया ऑनलाइन जारी। बरेली में उद्योग रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तर्ज पर बरेली में इन्वेस्टर्स निर्यातक शिखर सम्मेलन आयोजित। इन्वेस्टर्स निर्यातक शिखर सम्मेलन में बरेली पहुंचे मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बढ़ाया निवेशकों का हौसला। IMA भवन में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में जुड़े बड़े उद्योगपति। 13,000 करोड़ के MOU हुए साइन। उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लखनऊ आने का मंत्री ने दिया न्योता। इन्वेस्टर्स समिट में मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर समेत उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। MLC चुनाव की तैयारी की समीक्षा को बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके दिए जीत के मंत्र। PWD मंत्री जतिन प्रसाद रहे मौजूद। BJP प्रदेश अध्यक्ष का बयान, सपा ने राम भक्तों पर चलवाई गोलियां। भूपेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। इन्वर्टीज कॉलेज में संगठन के पदाधिकारियों समेत प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक। क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी समेत जिले के पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत। बरेली से लेकर दिल्ली तक भूकंप के झटकों से दहशत। नेपाल से 12 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। घरों दफ्तरों से बाहर निकले लोग। बरेली मंडल के जिलों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 30 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। MLC चुनाव में जीत की रणनीति बनाने को कल बुधवार को बरेली आएंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। सपा कार्यालय पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। MLC चुनाव की तैयारी को लेकर करेंगे समीक्षा। मेयर, चेयरमैन व पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ करेंगे मुलाकात। जिले की नई टीम बनाने को हो सकता है मंथन। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों में जुटे पार्टी पदाधिकारी। मौसम ने ली करवट, बारिश से बदला मौसम का मूड। आने वाले दिनों में पारा गिरने की आशंका। मौसम विभाग का बारिश का अनुमान। बरेली में आधी रात शुरू हुई बारिश, दिन में भी बरसा पानी। बारिश के चलते कई सड़कों पर जलभराव। बारिश के बाद कई इलाकों में गुल हुई बिजली। सर्दी बढ़ने की आशंका के चलते घरों में दुबके लोग। बरेली में महिला वकील के घर में घुसकर की मारपीट, फायरिंग। महिला के पति व देवर फायरिंग में हुए घायल। वकील ने उत्तराखंड की भाजपा नेता व रिश्तेदारों पर लगाया मारपीट का आरोप। जुआ खेलने के विरोध पर हुई मारपीट व फायरिंग। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा इलाके की घटना। घायलों को जिला अस्पताल में हो रहा इलाज। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने फांसी लगाकर दी जान। विवाद के बाद नाराज होकर मायके चली गई थी युवक की पत्नी। कैंट थाना क्षेत्र के बुखारा गांव की घटना। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम को भेजा युवक का शव। बरेली में आधी रात चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी चुराई। टीचर ने घर के बाहर खड़ी की थी स्कॉर्पियो कार। CCTV कैमरे में कैद हुई कार चोरी की वारदात। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर इलाके का मामला। शिकायत मिलने के बाद चोरी की कार तलाशने में जुटी पुलिस। CCTV कैमरे में नजर आए कार चुराते चोर। बरेली मंडल के शाहजहांपुर जिले में छात्रा की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। 9 जनवरी से घर से लापता थी 17 वर्षीय छात्रा। मंगलवार को गांव के बाहर बोरे में बंधा मिला छात्रा का शव। शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र की घटना। छात्रा का शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। बेसुध हुई छात्रा की मां। पड़ोसी गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ती थी छात्रा।